नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह का प्राइम टाइम शो 10 का दंगल और मैं हूं आपके साथ करिश्मा। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। धमाकेदार और एकदम जुदा अंदाज में खबरों को देखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी से एक घंटे तक विवाद, कॉन्ट्रोवर्सी और वो बयान जिससे घमासान मचा हुआ है, हर खबर की तह तक होगी पड़ताल। बिल्कुल, विवादों का दंगल, बयानों का दंगल, तो चलिए शुरू करते हैं दस का दंगल। तो दस के दंगल में सबसे पहले बात हम लखनऊ की करेंगे। दरअसल लखनऊ के लुलु मॉल से नमाज पढ़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो लगातार आप देखिए चलता ही जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक जगहों पर एक तरफ तो इबादत करने पर रोक लगी है, लेकिन प्रयागराज से जो तस्वीर सामने आई वो दरअसल सुर्खियां बटोर रही है, जिसमें सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ये संयोग है या जानबूझकर किया गया प्रयोग। प्रयागराज स्टेशन पर खुले में फिर से नमाज पढ़ी गई है, इस खबर का विश्लेषण करिश्मा हम लोग करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बाहुबली मुख्तार अंसारी को फिर बड़ा झटका लगा है। बाराबंकी में एम्बुलेंस मामले में अंसारी की जमानत अर्जी को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। अदालत ये कहता है कि मुख्तार जैसे लोग लॉ मेकर है, जो कि लोकतंत्र के लिए एक धब्बा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इस खबर पर भी अधिक जानकारी हम देंगे। और इसके साथ ही देखिए, बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर अब ममता के जो मंत्री हैं पार्थ चटर्जी, उन पर कानूनी शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मामले पर पार्थ चटर्जी और उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें आज अर्पिता की पेशी होने वाली है। इससे जुड़ी भी अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश गठबंधन को एक बड़ा झटका लग चुका है। विधानसभा चुनावों से पहले बना शिवपाल, राजभर और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट चुका है। ओम प्रकाश राजभर अब बीएसपी में जाने की तैयारियों में है, तो वहीं चच्चा शिवपाल इसे सम्मान की लड़ाई बता रहे हैं। इस खबर का भी विश्लेषण होगा दस का दंगल में। तो चलिए एक बड़ी खबर के साथ दस के दंगल की शुरुआत करते हैं, जो कि प्रयागराज से। प्रयागराज स्टेशन पर फिर एक बार खुले में नमाज पढ़ी गई, जिसको लेकर बवाल हुआ है। सात लोगों ने दरअसल ये नमाज पढ़ी ट्रेन खुलने पर, नमाज बीच में छोड़कर ये नमाजी भाग गए। इससे पहले आपको याद होगा स्टेशन के वेटिंग रूम में भी सामूहिक नमाज पढ़ी गई थी, इसको लेकर सख्त कार्रवाइयों का दौर। लेकिन ये तस्वीरें जरा आप देखिए, यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर एक पर नमाज के लिए लोग उतरे, नमाज पढ़ी रहे थे, इतने में ट्रेन चल पड़ी, तो नमाज को भी आधा अधूरा छोड़कर ये लोग मौके से भाग निकले। फिलहाल उत्तर प्रदेश में लगातार हर दिन अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है, और आप देखिए नमाज को तो बीच में नहीं छोड़ा जाता शायद, अगर हम गलत नहीं है तो, लेकिन जैसी ट्रेन छूटी नमाज भी छूट गई और ये लोग तमाम जो है ट्रेन के पीछे भागते हुए नजर आ गए। और इसलिए सवाल उठ रहा है कि ये संयोग है या वाकई इसके पीछे एक बड़ा प्रयोग है। बिल्कुल ठीक कहा रोहित आपने, क्योंकि ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। लखनऊ से सामने आई, गोरखपुर से सामने आई, और देखिए एक बार फिर से ऐसी तस्वीर प्रयागराज से सामने आई है, जो सवाल खड़े कर रही है कि आखिर मंशा क्या है इन लोगों की। हालांकि इसमें यह भी बताया जा रहा है कि जो लखनऊ से तस्वीर सामने आई थी, कि हो सकता वो वीडियो साजिशन रिलीज किया गया हो, लेकिन आखिर क्यों जानबूझकर इस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिंदू संगठन एक तरफ से आक्रोश जता रहा है और ये कह रहा है कि हम भी अब खुले में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से अधिकारियों को कहा है कि इनसे सख्ती से निपटा जाए, और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। हर दिन खुले में नमाज, संयोग या प्रयोग, इबादत के नाम प्रदर्शन की जिद क्यों? होगी खुले में दुआ तभी सुनेंगे खुदा। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर खुले में नमाज पढ़ने का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। ये प्लेटफॉर्म नंबर एक का वीडियो है, जहां 6-7 नमाजी एक साथ खुले में नमाज पढ़ रहे हैं। ट्रेन खुलने लगती है तो नमाज बीच में ही आधी छोड़कर भागते हैं। ये देखिए पहला वीडियो, जिसमें कुछ बच्चों के साथ मौलवी नमाज पढ़ रहा है, जिस पर काफी बवाल हुआ। इसके बावजूद दो दिनों के अंदर इसी रेलवे स्टेशन पर खुले में नमाज की ये दूसरी तस्वीर सामने आ गई, जबकि पहली घटना को लेकर कई सवाल उठे थे और 21 बच्चों को उनके स्कूल से नाम कटवाकर मदरसे में ले जाने की बात सामने आई थी। साथ ही इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एंगल से भी जांच की जा रही है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर मौलाना अब्दुल समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अब नाला उसमें दो कैटेगरी के बच्चे थे, एक मजदूरी करने जा रहे थे, एक बच्चे ऐसे थे जो मदरसे में पढ़ने के नाम पर जा रहे थे। मदरसे पढ़ने वाले जो बच्चे थे उनमें 15 बच्चे थे, उनमें किसी बच्चे के पास या ना तो जो ले जा रहे थे उनके पास ना बच्चों के पास किसी के पास कोई कंसर्न लेटर नहीं था कि हम किसके पास जा रहे हैं, हम किसके साथ जा रहे हैं।
ये बड़ी जांच का विषय है। वहीं बच्चों के घर वालों को भी इस मामले की जानकारी दी गई, जहां राजीनामा लेकर बच्चों को उनके घर वालों के हवाले किया जा रहा है। अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से बच्चों का नाम सरकारी स्कूलों से कटवाकर उन्हें मदरसे में भेजा जा रहा था, कहीं ये पूरा मामला किसी बड़े मजहबी गैंग की करतूत तो नहीं। लेकिन इन सब के बीच सवाल इस मानसिकता पर है जिसके तहत सरकार और सिस्टम को चुनौती देती तस्वीरें आम होती जा रही हैं। लुलु मॉल लखनऊ, चारबाग लखनऊ, सीडीओ आवास गोरखपुर और वेटिंग रूम प्रयागराज की तस्वीर, साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 की प्रयागराज स्टेशन की तस्वीर, सार्वजनिक स्थल पर नमाज की ये 5 तस्वीरें उस प्रदेश की हैं जहां के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़े शब्दों में इन नमाजियों को चेतावनी दी कि अगर सरेआम धार्मिक क्रियाकलाप किया तो खैर नहीं। अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहाँ पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद शनिवार को 2 वीडियो वायरल हुए। पहला गोरखपुर का, जहां मुख्य विकास अधिकारी के आवास के गेट पर नमाज पढ़ने की तस्वीर है। इस दौरान वहां सुरक्षा गार्ड भी मौजूद हैं, लेकिन वो मूक दर्शक हैं। जबकि दूसरी तस्वीर प्रयागराज स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की है, जहां सरेआम कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी। वहीं लुलु मॉल में 12 जुलाई को बिना अनुमति नमाज पढ़ने के मामले में एक और आरोपी मोहम्मद आदिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह से लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वाले 9 नमाजियों में से अब तक 5 अरेस्ट हो चुके हैं। और सरकार इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि राज्य का माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सीधा ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। सहयोगी शिवम प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, देखिए, सख्त लहजे में सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम अधिकारियों को यह हिदायत दे चुके हैं कि आप एक्शन लीजिए। क्या सख्त एक्शन का इंतजार किया जा रहा है? कितनी मुश्किल ये बात है समझने के लिए कि पब्लिक प्लेसेस पर रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं हो सकती। चलिए, तो शिवम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले जैसा कि रोहित आपने सवाल उठाया कि आखिर क्यों ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बाद भी ये लोग डर नहीं रहे हैं, पास नहीं आ रहे हैं और इस तरीके से खुले में कहीं नमाज पढ़ते हैं। सार्वजनिक जगहों पर जब मना किया गया है, आदेश दिया गया है कि इस तरीके के रिलीजियस प्रैक्टिसेस ना करें, उसके बाद भी कहीं ना कहीं देश का माहौल खराब करना है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो दूसरा धर्म विशेष है वो साफ तौर से ये कह रहा है कि हम भी हनुमान चालीसा का पाठ खुले में करेंगे और देश का सौहार्द खराब करने की ये जानबूझकर क्या साजिश रची जा रही है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि हर दिन खुले में नमाज पढ़ना क्या ये संयोग है कि एक प्रयोग है? शिवम हमारे साथ है। शिवम बताइए आप, क्योंकि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ सख्त दाद पहले ही दे चुके हैं कि खुले में पब्लिक प्लेसेस पर रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं होगी, क्या स्ट्रिक्ट एक्शन का इंतजार किया जा रहा है? और अगर वो स्ट्रिक्ट एक्शन होगा तो फिर वापस से कहा जाएगा कि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है? रोहित, देखिए, लगातार सीएम योगी इस बात को लेकर न सिर्फ बैठके करते रहे बल्कि सख्त संदेश देते रहे कि किसी भी तरीके से जो धार्मिक स्थल है उन पर इस तरीके की आजादी है। चाहे कोई भी संप्रदाय हो, चाहे हिंदू को पूजा करनी हो, मुस्लिम को नमाज अदा करनी हो, सिख समाज हो, सभी को धार्मिक स्थलों पर यह आजादी है, पब्लिक प्लेस पर नहीं है। लेकिन लखनऊ के लुलु मॉल से जो सिलसिला शुरू हुआ था, पहले वो प्रयागराज रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में पहुंचा और अब तो खुले में प्लेटफॉर्म पर ये नमाज पढ़ेगा, इसको लेकर सख्ती। और पूर्व जो मंत्री रहे हैं सिद्धार्थनाथ सिंह बीजेपी सरकार के, उन्होंने भी कहा कि इस मामले में सख्त एक्शन होना चाहिए। हालांकि उन अधिकारियों पर कार्रवाई की बेहद जरूरत है जो इस मामले में सख्ती नहीं दिखाते। आपको याद होगा, ये तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 7 के बीच की नमाज की बात की गई, लेकिन इसी रेलवे स्टेशन पर बीते कुछ दिनों पहले ही जो वेटिंग हॉल है वहां पर नमाज पढ़ी गई। और जब कुछ मीडियाकर्मी इस बात को लेकर पहुंचे तो पुलिस ने नमाजियों को नहीं रोका बल्कि पत्रकारों से बदसलूकी की, उनसे बदतमीजी करने लगे कि आप यहां से हटिए, आप वीडियो मत बनाइए। ये तमाम तरीके की चीजें थी जिनके खिलाफ कार्रवाई की आवश्यकता है। लुलु मॉल में जब विवाद होता है तो सीएम योगी कहते हैं सख्ती के तौर पर, वो वीडियो भी हमने देखे, लगातार हिंदुस्तान दिखा रहा है कि इनमें इन मामलों में सख्त कार्रवाई की जरूरत है ताकि एक मैसेज जाए। और अगर रोहित इन मामलों में कार्रवाई नहीं होगी तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि दूसरे संप्रदाय के लोग भी सड़कों पर उतरेंगे, जहां पर जो लोग इकट्ठे होंगे वो वहां पर प्रदर्शन करने लग जाएंगे, पूजा करने लगेंगे। और आजकल तो सावन चल रहा है, इतनी भारी तादाद में कांवड़िए निकल रहे हैं, अगर कोई संप्रदाय विशेष इसको गलत तरीके से लेता है तो वो भी जगह जगह अपनी पूजा अर्चना करने लग जाएंगे। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर यूपी सरकार को अब और सख्ती दिखाने की जरूरत है और जिम्मेदार अधिकारी
जो सख्ती नहीं दिखा रहे हैं, जिनकी वजह से कार्रवाई नहीं हो पा रही, उन पर एक्शन की सख्त नीड है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो दूसरों के धर्म को उकसावा देती है। जब आप कोई पूजा पद्धति अपनाते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, पब्लिक सर्विस में, तब फिर दूसरे धर्म के लोग एक्टिव हो जाते हैं, वो मुद्दा फूल पकड़ते जाता है। यूपी जहां लगातार शांति के वीडियो सामने आ रहे हैं, तो सवाल ये उठ रहा है कि ये हर जगह कहीं ना कहीं सहयोग नहीं हो सकता। क्या साजिशन इस तरीके के वीडियो रिलीज किए जा रहे हैं, इनकी मंशा आखिर क्या हो सकती है? ठीक है, प्रशासनिक लेवल पे अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, उनको सख्ती से निपटना है, लेकिन फिर भी ये डर नहीं दिखाई दे रहा, वो खौफ नहीं दिखाई दे रहा। अब बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका, चूंकि लखनऊ के लुलु मॉल में जो नमाज पढ़ी गई थी सबसे पहली बार, वो सिर्फ 18 सेकंड पढ़ी गई थी और उसमें वीडियो बनाया गया था। कोई भी नमाज की बात करें या पूजा की बात करें, वो 18 सेकंड में कंप्लीट नहीं हो जाती है। जान पूछ कर वीडियो बनाने के लिए चार युवक आए नमाज के, लुलु मॉल के अंदर नमाज पढ़ी और वो वीडियो वायरल कर दिया। ये प्रूव करता है कि ये कतई सहयोग नहीं है, ये एक प्रयोग है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीते 5 सालों में शांति व्यवस्था रही है, तो कहीं ना कहीं उसको छिन्न भिन्न करने की साजिश है। अधिकारियों की बात करें, कोशिश की जाती है, लेकिन हर जगह पुलिस मौजूद नहीं रह सकती। तो ये मामलों में सबसे ज्यादा जरूरत है मिसाल वाली कार्रवाई हो। जो लोग इस साजिश को अंजाम दे रहे हैं, पूरी पुलिस को जांच करे कि न सिर्फ एक मुद्दा नहीं है। लखनऊ के लुलु मॉल का बात आई, कई जगह हमने यूपी में देखा जहां जान पूछकर, चाहे वो लाउडस्पीकर की बात रही हो, चाहे नमाज की बात रही हो, कई और धर्मों के लोगों ने प्रदर्शन किया और ये बाद में जांच में निकला कि या तो कोई पॉलिटिकल पार्टी इसमें इन्वॉल्व थी या कोई राजनीतिक दल के अलावा कुछ लोग। यही तो दिक्कत है ना, अगर एक्शन होगा तो फिर कहा जाएगा कि धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। फिर आप और हम और करिश्मा उस विषय पर बात कर रहे होंगे, फिर उस पर अलग अलग आरोप और प्रत्यारोप शुरू हो जाएगा। बहुत धन्यवाद शिवम आपका। अगली खबर देखिए, बाहुबली मुख्तार अंसारी पर सख्त टिप्पणी आई है, कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। मुख्तार अंसारी जैसे लोग लॉ मेकर है, हाई कोर्ट की टिप्पणी, लखनऊ बेंच की ये टिप्पणी है मुख्तार अंसारी पर। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एम्बुलेंस मामले में जमानत याचिका खारिज हुई, जमानत देने पर सबूतों से छेड़छाड़ संभव है, हाईकोर्ट का ये कहना है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बेल का विरोध किया था इस पूरे मामले में। तो बड़ी खबर, बाहुबली मुख्तार अंसारी पर सख्त टिप्पणी कि जैसे लोग लॉ मेकर है मुख्तार अंसारी जैसे लोग, हाईकोर्ट का ये कहना। लखनऊ बेंच की मुख्तार को लेकर ये टिप्पणी है और काफी सख्त लहजे में कहा है इस पूरे मामले में, क्योंकि एम्बुलेंस पूरा मामला जमानत याचिका इसमें खारिज हो गई और सख्त लहजे में हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। तो एम्बुलेंस घोटाले को लेकर मुख्तार अंसारी को सजा हुई है और उसी क्रम में जब जमानत पिटीशन दाखिल की गई तो हाईकोर्ट की ये आप समझिए स्ट्रिक्ट टिप्पणी आप इसे कह सकते हैं, जो साफ तौर पर बता रहा है। सोचिए हाईकोर्ट ये कह रहा है कि मुख्तार अंसारी जैसे गुंडे बदमाश बाहुबली ये लॉ मेकर है, यानी ये कानून बनाते हैं और ये कहीं ना कहीं सख्त टिप्पणी है। साफ तौर पर कोर्ट ये भी कहता है कि अगर मुख्तार अंसारी को जमानत मिलती है तो बाहर जो सबूत है, बाहर जो गवाह है, उन पर भी ये इफेक्ट कर सकता है, इसलिए जमानत याचिका को सस्पेंड किया गया, खारिज किया गया। तो लखनऊ बेंच की मुख्तार को सख्त टिप्पणी और जमानत याचिका अब खारिज हो चुकी है इस पूरे मामले में। तो आपको बता दें कि हाईकोर्ट की तरफ से ये सख्त टिप्पणी, सख्त रवैया, 2013 में फर्जी दस्तावेज पर एम्बुलेंस ली गई, बाराबंकी के परिवहन विभाग में एम्बुलेंस दर्ज की गई। अब आरोपी डॉक्टर अलका ने ये इस बात को स्वीकारा था, मुख्तार के लोगों के लिए एम्बुलेंस इस्तेमाल करने का भी इसमें आरोप लगा था। ऐसे में फिलहाल बांदा जेल में बंद है मुख्तार अंसारी, 56 मामले भी हैं इस वक्त मुख्तार अंसारी पर। और इस पूरे मामले में अब हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया। मेरे सहयोगी शिवम जुड़ चुके हैं अधिक अपडेट्स के साथ। शिवम, हाईकोर्ट की यह सख्त टिप्पणी और याचिका को खारिज कर दिया गया, जमानत याचिका को, क्या समझा जाए इससे कि एक सख्त रवैया बहुत जरूरी है इन लोगों के लिए? बिल्कुल, 2013 के एक एम्बुलेंस पिकलर के पूरे मामले में जमानत अर्जी दाखिल की थी मुख्तार अंसारी ने। मुख्तार अंसारी के बारे में बता दूं आपको, लगभग 60 से 70 मुकदमे उन पर दर्ज हैं, विधायक हैं, लंबे समय से एक्टिव रहे हैं। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जो जज हैं, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा जिस तरीके से इन पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, ऐसे में अगर इन्हें जमानत दी जाती है तो ये निश्चित तौर पर गवाहों को प्रभावित करेंगे। उसके अलावा उन्होंने जो कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोकतंत्र की बात करते हैं, एक तरफ द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी है वो राष्ट्रपति बनने वाली,
रही, वहीं दूसरी तरफ अगर आप बेंच का आदेश सुनेंगे तो निश्चित तौर पर हतप्रभ करने वाला है कि एक ऐसे व्यक्ति पर जो अपराधी है, सब जानते हैं, जिस पर दर्जनों मुकदमे दर्ज है, वो भारत में नियम कानून बनाता है, वो लॉ मेकर है, तो ये निश्चित तौर पर भारत के लोकतंत्र की एक कह सकते हैं आप बड़ी ही एक ऐसी पराकाष्ठा वाली बात है। मुख्तार अंसारी जैसे लोग जिनके बारे में कोर्ट ये कहता है कि इन पर 56 से 60 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन आप देखिए कि वो विधानसभा में बैठते हैं और जो नियम कानून बनाने हैं उनमें कहीं ना कहीं सहयोग देते हैं और नियम कानून बनाते हैं। हालांकि एक बड़ी बात रही कि 2013 का जो अलका राय वाला प्रकरण निकला था एम्बुलेंस का, उस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ी और कोर्ट ने साफ तौर पर यह बोल दिया कि इस मामले में जमानत की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये गवाहों को धमका सकते हैं। पहले भी ऐसे कई मामले आए और अलका राय ने भी ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि उनको डराया धमकाया गया, यही एक वजह है कि उन्हें सिग्नेचर करने पड़े। उनको ये भी कहा गया, बाद में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी ये कहा गया कि आप ये बातें जो है वो यहां पर कही गई हैं और तमाम बड़े आरोप भी लगे हैं, लेकिन अब ऐसे में जरूरी यह है कि आने वाले वक्त में फैसला क्या हो सकता है। लगातार आप बने रहिए हमारे साथ, तमाम जानकारी आप लगातार दे रहे हैं। ऐसे में अब आपको बताते हैं कि आखिर दलीलें जो हैं वो क्या दी गई हैं और कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है। अब आप देखिए यहां पर मुख्तार अंसारी जैसे लोग लॉ मेकर हैं, चूंकि हाईकोर्ट ने इस बात का जिक्र कर दिया। लखनऊ बेंच की मुख्तार को लेकर यह टिप्पणी है, क्या टिप्पणी है देखिए। एम्बुलेंस मामले में जमानत याचिका खारिज हुई, उसके बाद जमानत देने पर सबूतों से छेड़छाड़ संभव है। जी हां, अगर हमने जमानत दी तो जो भी सबूत मुख्तार के खिलाफ हैं उसे छेड़छाड़ हो सकती है। 2013 में फर्जी दस्तावेज पर एम्बुलेंस खरीदी गई, बाराबंकी के परिवहन विभाग में एम्बुलेंस दर्ज की गई है, आरोपी डॉक्टर अलका ने स्वीकारा था। अलका ने यह भी कहा कि मुझे डराया और धमकाया भी गया है, दबाव बनाकर साइन करवाया गया। मुख्तार के लोगों के लिए एम्बुलेंस इस्तेमाल करने का आरोप अलका पर लगा हुआ है। बांदा जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी पर 56 मामले दर्ज हैं, 56 मामले उस पर दर्ज हैं और ऐसे में मुख्तार अंसारी को लेकर तमाम बयानबाजियां और तमाम आरोपों के साथ अब इस बात का जिक्र हुआ कि देखिए अगर हम मुख्तार अंसारी को छोड़ते हैं जो भी सबूत है उससे छेड़छाड़ हो सकती है। शिवम लगातार बने हुए हमारे साथ। शिवम देखिए 56 से 60 मुकदमे दर्ज हैं, हाईकोर्ट कह रहा है कि नहीं हम नहीं छोड़ सकते, अगर छोड़ेंगे तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ होगी। लेकिन आपको यहां एक बात समझनी बेहद इंपॉर्टेंट है कि वो लगातार कई चुनावों से जेल के अंदर से मुख्तार अंसारी चुनाव जीतता है, तो आखिर वो कौन से लोग हैं जो ऐसे अपराधियों को कहीं ना कहीं वोट देते हैं, ये समझने की बहुत बात है। क्योंकि हम आम लोगों की बात कर रहे हैं, डराने धमकाने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक विधानसभा है, एक जिला है जो लगातार मुख्तार अंसारी को वोट देता रहता है और वो एक कवर अप के तौर पर मुख्तार के लिए काम करता है। आप मुख्तार के करीबियों से, उनकी पार्टी के जो उनके बड़े भाई हैं इस समय अध्यक्ष बने हुए, उनसे बात करिए, वो ये कहते हैं कि ये सब तमाम बातें फर्जी है, तमाम जो दावे हैं वो फर्जी है, क्योंकि जनता उन्हें चुन रही है, वो प्रतिनिधि करते हैं और देश में वो तुलना करने लगते हैं अपने राजेंद्र प्रसाद से और जवाहरलाल नेहरू से कि देखिए उन्हें भी जनता ने चुना था, उन पर भी आरोप लगे, मेरे भाई पर भी आरोप लगे, लेकिन किसी भी मामले में अभी तक सजा नहीं हुई है। लेकिन आप देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज की कितनी अहम टिप्पणी हो जाती है इस पूरे मामले में कि ये लॉ मेकर्स हैं। आप सोचिए हमने जब देश आजाद हुआ था उस वक्त ये प्लान थे कि कौन कौन से लोग संसद में आएंगे, विधानसभा में आएंगे, वो नियम बनाएंगे, एक जीवन त्याग का होता था, नेता सिर्फ इसीलिए बनते थे विधायक सांसद ताकि ऐसे नियम बनाए जाए जो आम मानस को न सिर्फ सुरक्षा का एहसास दिलाएं बल्कि देश के विकास में अहम भागीदारी बने। लेकिन आज देखिए आप मुख्तार अंसारी जैसे लोग विधायक बनते हैं, लगातार सालों से विधायक रहते हैं, कई पार्टियों में गठबंधन करते हैं और उनकी पार्टी से सांसद विधायक बनते हैं और वही लोग जिन पर 56 से 70 मुकदमे, आपको याद होगा पंजाब विधानसभा में जो पंजाब के जेल मंत्री है वर्तमान के, उनका स्टेटमेंट पढ़िए, 40 से 50 लोग मुख्तार की सेवा में लगे हुए, तो मुख्तार की बैरक में हर वो चीज ऐसे लोग और कहीं ना कहीं सिस्टम को भी वो एक्सपोज कर रहे हैं। हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है साफ तौर पर आप देखिए बताने के लिए काफी है कि कैसे सिस्टम में हम लोग हैं कि मुख्तार अंसारी जैसे लोग जिन पर 60 से ज्यादा केसेस हैं, कई संगीन आरोप हैं, वो लॉ मेकर है। आप बने रहेगा हमारे साथ। अगली खबर जो है, अगली खबर जानिए, रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट पर विवाद गहराता जा रहा है, सपा नेता अबू आजमी ने इस पर सवाल उठाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, जिस्म की नुमाइश करना आर्ट और आजादी, मर्जी से हिजाब उत्पीड़न और धार्मिक भेदभाव है क्या, हमें आखिर कैसा समाज चाहिए, ये उन्होंने साफ तौर से कहा। तो रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट को लेकर दरअसल अब विवाद बढ़ता ही जा रहा है, हर तरफ से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है और कड़ी निंदा भी एक तरफ से हो रही है। अब इस पर सियासत भी करवाएं, एसपी नेता अबू आजमी ने अब इस पर सवाल उठाए हैं। We'll be right back.
नग्नता बहाना मकसद हिजाब पर भड़काना, रणवीर के फोटो शूट पर छिड़ा धर्म युद्ध। अभिनेता रणवीर सिंह का नेकेड फोटो शूट विवादों में घिर गया है। रणवीर ने एक मैगजीन के लिए बिना कपड़े पहने फोटो शूट करवाया, जिसकी तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई हर कोई हैरान रह गया। रणवीर के कुछ फैंस को उनका ये अंदाज पसंद आया तो कुछ लोग इन तस्वीरों से नाराज थे। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने इन तस्वीरों को हिजाब विवाद से जोड़ते हुए ट्वीट किया, नंगे जिस्म की नुमाइश करना आर्ट और आजादी कहलाता है, तो एक तरफ संस्कृति के मुताबिक लड़की अपनी मर्जी से बदन को हिजाब से ढकना चाहे तो वो उत्पीड़न और धार्मिक भेदभाव कहलाता है। हमें आखिर कैसा समाज चाहिए? महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने भी अबू आजमी के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि कानून एक ही है, फिर फर्क क्यों? एक के लिए अलग, एक धर्म वालों के अलग, दूसरे धर्म वालों के लिए अलग, ऐसा कानून नहीं हो सकता। हमारा संविधान सर्वधर्म समभाव का है, सभी धर्म के सभी जाति के लोग को एक साथ बांध के रखने का काम हमारा संविधान करता है। रणवीर के नेकेड फोटोशूट को जिस तरह हिजाब विवाद से जोड़ा जा रहा है उससे साफ है कि कुछ लोग एक बार फिर से लोगों को भड़काने के मिशन पर लग गए हैं। रणवीर का फोटोशूट उनका व्यावसायिक फैसला है। देश में हिजाब पर किसी तरह की रोक नहीं है। शिक्षण संस्थानों में ड्रेस कोड के कारण अगर हिजाब पहनने पर रोक लगाई जाती है तो इसे भेदभाव नहीं कहा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 10 के दंगल में बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी खबर जानिए, बंगाल भर्ती घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन सामने आया है। मंत्री पार्थ चटर्जी और उनके करीबी अर्पिता गिरफ्तार हो चुकी है और आज कोर्ट में अर्पिता की पेशी भी होनी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अर्पिता मुखर्जी को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। मंत्री पार्थ चटर्जी की कल ही गिरफ्तारी हो चुकी थी, उनकी करीबी है अर्पिता मुखर्जी और 2 दिनों की ईडी की रिमांड पर ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी ने पूरा ग्राउंड तैयार कर लिया और उसके बाद कल मेडिकल के बाद कोर्ट ले जाया गया था और मंत्री पार्थ चटर्जी की एक तरफ गिरफ्तारी हो चुकी है तो दूसरी तरफ उनकी करीबी अर्पिता की भी गिरफ्तारी हो गई है। तो अब देखिए, लगातार कार्रवाई की दिशा और दशा बहुत तेज गति से आगे बढ़ती हुई। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी लगातार इस पूरे मामले में लगातार दबिश दे रहे हैं। अब तक लगभग 21 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ अर्पिता के घर से। इसके अलावा सोना, चांदी, 20 से ज्यादा मोबाइल फोन। और आप देखिए, क्योंकि ये SSC भर्ती घोटाला था, लंबे वक्त से इसकी जांच की मांग करने के लिए लोग सड़कों पर उतरे हुए थे। और जो दूसरी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जैसे ही पार्थ की गिरफ्तारी हुई, जो लोग जो SSC के अभ्यर्थी चाहते थे कि उनको नौकरी मिले लेकिन पैसे ना देने, घूस ना देने की वजह से नौकरी नहीं मिल पाई, किस तरीके से खुशियों का इजहार किया, पटाखे फोड़े, मिठाइयां बांटी। बिल्कुल, और बार 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 बीजेपी यही कह रही है कि जनता के पैसे लूटे गए हैं, वही मैसेज देने की कोशिश कर रही थी। और ऐसी ही तस्वीरें देखिए निकलकर सामने आई कि वहां के जो लोग थे वो जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। बीस करोड़ सिर्फ ट्रेलर, बाकी है पिक्चर। दीदी के बंगाल में लूट की पाठशाला। बंगाल में अली बाबा की कितनी कोठरी। ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर में छिपा काला खजाना अब ईडी के कब्जे में। अर्पिता के घर से मिले 20 करोड़ से ज्यादा की रकम को बक्सों में भरकर जांच एजेंसी ने अपने कब्जे में ले लिया है। कई बक्सों में भरे करोड़ों की इस रकम ने पश्चिम बंगाल की सियासत में भूचाल खड़ा कर दिया है। बीजेपी और विपक्ष ममता सरकार पर हमला कर रही है तो TMC ने अर्पिता से पल्ला झाड़ते हुए सफाई दी है। जो पार्टी खुद डूबा हुआ है करप्शन में, जो करप्शन का चाचा भतीजा बन के बैठा हुआ है, उसका मुंह पे ये शोभा नहीं देता है। हम ये बोलना चाहेंगे कि हमारा बंगाल में इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंटली होता है। ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी को शिक्षक भर्ती घोटाले में कई घंटों की पूछताछ के बाद कल ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उन्हें 2 दिन के लिए रिमांड में भेज दिया गया। अर्पिता मुखर्जी पहले से ही सलाखों के पीछे हैं। साफ है कि शिक्षक भर्ती घोटाले की आंच अर्पिता से होते हुए TMC तक आ गई है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ममता बनर्जी बहुत कुछ बोलती हैं ईडी और CBI के अगेंस्ट में,
और ईडी और सीबीआई जब रेड करके पॉलिटिकल करप्शन एक्सपोज करते हैं तो वो कुछ बोलती नहीं है। उनका जो एक कॉन्स्पिरेसी या एक गेम प्लान रहा है कि उनको किसी तरह से रोका जाए कि उनका इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस ना हो और ममता जी के सरकार में जो पॉलिटिकल करप्शन के केसेस हैं वो एक्सपोज ना हो। छापेमारी में ईडी को 20 करोड़ से ज्यादा कैश, 22 मोबाइल, विदेशी मुद्रा, 78 लाख के गहने, कंपनियों के दस्तावेज और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले हैं। अर्पिता मुखर्जी के घर से मिले 22 मोबाइल और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच से कई अहम सुराग मिलने की संभावना है। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी सिर्फ शुरुआत है, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और भी कई किरदार कैश कांड में बेनकाब होंगे। बांकुड़ा की ये तस्वीर बंगाल की सियासत की नई तस्वीर दिखा रही है। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद ये जश्न उन युवाओं का है जिनकी योग्यता पर घूस के पैसे भारी पड़े थे, अब इन्हें इंसाफ की उम्मीद है। एक तरफ छात्र और उनके परिजन जश्न मनाने में लगे हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले में जांच की आंच अर्पिता मुखर्जी से होते हुए पार्थ चटर्जी तक पहुंच चुकी है। ऐसे में सवाल ये है कि कैश कांड में और कितने किरदार हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बिल्कुल देखिए, कैश कांड में और कितने किरदार हैं, सवाल यही उठ रही हैं, क्योंकि अभी पार्थ चटर्जी सवालों के घेरे में हैं और उनकी गिरफ्तारी हुई, अर्पिता की भी गिरफ्तारी हुई, लेकिन पूछताछ में रोहित बड़े खुलासे होंगे और मुझे ऐसा लगता है आगे आने वाले समय में कई ऐसे नाम हैं जिनका आना तय माना जा रहा है। और इन तमाम चीजों को लेकर पहले से ही काफी अग्रेसिव है भारतीय जनता पार्टी। चुनावों के दौरान आपने सुना होगा कटमनी कल्चर बंगाल के अंदर, और कहीं ना कहीं उसी की बहनगी की, अगर आपको नौकरी चाहिए तो कटमनी दीजिए, आपको अच्छी शिक्षा चाहिए तो कटमनी दीजिए। और अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो दिशा है कार्रवाई की वो बहुत तेज है। आप देखिए, कल ही गिरफ्तारी हुई, लगभग 27 घंटों तक पार्थ चटर्जी से आप पूछताछ की गई और उसके बाद उन्हें तुरंत कोर्ट में पेश किया गया। आज अर्पिता को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा, अब से कुछ देर में अर्पिता को लेकर भी ईडी की टीम जो है कोर्ट में पहुंचेगी। और यहां से आज, क्योंकि जिस वक्त का पूरा घोटाला है, एसएससी घोटाला जो भर्ती थी, उस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर थे पार्थ, टीएमसी को लेकर अगर बात की जाए तो टीएमसी के महासचिव है, छोटे मोटे पद पर नहीं है, टीएमसी के महासचिव है। ऐसे में ये आज क्या दीदी तक पहुंचती है, या फिर क्या ऐसा भी संभव है कि उन्हीं की नाक के नीचे उनका इतना चहिता, जिसकी तारीफ अलग अलग मंचों से खुद ममता दीदी करती हुई आई है, अगर वो इतना कटमनी ले रहे हैं और शीर्ष पदों पर बैठे पदाधिकारियों को इस बारे में पता नहीं है, क्या ऐसा संभव है करिश्मा? बिल्कुल ठीक कहा आपने, और यही वजह है कि बीजेपी बार बार कह रही है कि ममता संरक्षण दे रही हैं और अब तक संरक्षण देती हुई आई हैं, और यही वजह है कि अभी तक जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं उन तक ये बात नहीं पहुंची। लेकिन जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये जांच की आंच अब टीएमसी पर भी आ जाए और उसको लेकर अब ईडी आगे बढ़े, लेकिन उन सब के बीच अभी देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी में क्या खुलासे होते हैं, अर्पिता पूछताछ में क्या खुलासे करती हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि मोनालिसा दास, उसका भी नाम निकलकर सामने आ रहा है जो कि पार्थ चटर्जी के घर की देखरेख करती थी। बताया जा रहा है कि 7 घर हैं ऐसे जहां जिसकी देखरेख मोनालिसा दास करती थी, उनका भी नाम इसमें निकलकर सामने आ रहा है। तो पूछताछ में कई खुलासे होंगे, कई किरदार होंगे जो निकलकर सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले ये दो तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे होंगे, दरअसल जब नोटों का जखीरा बरामद हुआ सबके होश उड़ गए कि इतने बड़ी संख्या में जो विदेशी मुद्रा है वो भी मिली और कई ऐसी ज्वेलरी और इसके साथ ही कई ऐसी चीजें मिली जो संदिग्धों के दायरे में है। 22 मोबाइल फोन भी ईडी ने जब्त कर लिए। और दूसरी तस्वीर से पहले हम आपको दिखा रहे थे जो कि जश्न की तस्वीरें थी, जो युवा है वहां के वो जश्न मनाते हुए दिखाई दिए और उम्मीद थी कि उनको इंसाफ मिलेगा। और इसी बीच देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में अखिलेश गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। शिवपाल और राजभर अखिलेश का साथ छोड़ते हुए अब आगे बढ़े हैं, अखिलेश का गठबंधन टूट चुका है। तो देखिए, चाचा अपने चाचा हो शिवपाल यादव या फिर पीएर का चाचा हो, दोनों ने अपना दामन जो है समाजवादी पार्टी से छुड़ा लिया है। कल दो पत्र आपने देखे होंगे जो सपा की तरफ से जारी किए गए थे, जिसमें शिवपाल यादव को भी यही कहा गया था कि अगर आपको लगता है आपको कहीं और ज्यादा सम्मान मिल रहा है तो आप स्वतंत्र हैं। यही बात ओपी राजभर के लिए भी लिखी गई थी। देखिए, शिवपाल सिंह यादव लंबे वक्त से कह रहे हैं कि यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ सम्मान की बल्कि आत्मसम्मान की है, तो वहीं दूसरी तरफ ओपी राजभर कह रहे हैं कि जनाब आप हमें मत बताइए कि हमें कहाँ जाना है, हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, ये फैसला हम करेंगे कि अब हम कहाँ जाएंगे। हालांकि डिक्लाइन जो है साफ तौर पर ओपी राजभर का इस वक्त बीएसपी है, लेकिन इतनी आसानी से भी इतने हल्के में ओपी राजभर को नहीं लिया जा सकता है, और भी कई सारे ऑप्शंस होंगे जिस पर ओपी राजभर लगातार काम कर रहे होंगे।
बहुजन समाज पार्टी का दरवाजा खटखटाया जाएगा। समाजवादी पार्टी का तला राजभर को कबूल। बबुआ से चाचा को मिला अपमान, जाएंगे जहां मिले सम्मान। अभी यूपी विधानसभा चुनाव के 4 महीने भी पूरे नहीं हुए कि समाजवादी पार्टी का कुनबा बिखर गया है। चुनाव में अखिलेश की पार्टी को मिली करारी शिकस्त के बाद से माहौल बनना शुरू हो गया था। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, इसी में बैठ करके बहुजन समाज पार्टी ने राजनीति करना शुरू किया। एक सीट बची यूपी में। दिल्ली में एसी में बैठ के कांग्रेस राजनीति करना शुरू किया। 2 सीट उत्तर प्रदेश में बची हैं। तो एसी के कमरे से निकल करके हम लोगों को जनता के बीच में जाने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। अब कोई नाराज है तो मैं उसके क्या कर सकता हूँ, कोई नाराज। कुछ दिन पहले के ये दोनों बयान बता रहे हैं कि दोनों के बीच एक दूसरे के लिए आग पहले से सुलग रही थी। अब जिस चिट्ठी का इंतजार था वो भी पूरा हो गया। अखिलेश यादव के तलाकनामे वाले लेटर बम्पर शिवपाल और राजभर के कबूलनामे ने मुहर लगाकर अंजाम पूरा कर दिया। बबुआ ने अपने चचा शिवपाल यादव को जो पत्र जारी किया उसमें लिखा, माननीय शिवपाल यादव जी, अगर आपको लगता है कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो वहाँ जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। इस पर शिवपाल ने ट्वीट कर जवाब दिया, मैं वैसे तो सदैव से ही स्वतंत्र था, लेकिन समाजवादी पार्टी द्वारा पत्र जारी कर मुझे औपचारिक स्वतंत्रता देने हेतु सहृदय धन्यवाद। राजनीतिक यात्रा में सिद्धांतों एवं सम्मान से समझौता अस्वीकार्य है। वहीं अखिलेश ने राजभर के नाम जो पत्र जारी किया उसमें लिखा, ओम प्रकाश राजभर जी, समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है। आपका बीजेपी के साथ गठजोड़ है और लगातार बीजेपी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। इस पर SBSP के पार्टी प्रवक्ता अरविंद राजभर ने सख्ती भरे लहजे में जवाब दिया कि हमें कहां जाना है इसका फैसला आप नहीं, हमारी पार्टी के पदाधिकारी करेंगे। वहीं पार्टी अध्यक्ष OP राजभर ने अखिलेश का तलाक स्वीकारते हुए BSP के साथ गठबंधन का इशारा किया है। बहुजन समाज पार्टी का दरवाजा खटखटाया जाएगा। भाजपा के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि वाई श्रेणी तो उन्होंने दी है ना। आप जाइएगा, आप जाइएगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना जाए कि आपकी जो है बसपा की तरफ आपके ऐलान कर देंगे। आप प्रेस वार्ता करेंगे, जाएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे तब ना। हालांकि राजभर के पास 4 विकल्प हैं, BSP के साथ गठबंधन, BJP में घर वापसी, शिवपाल संग गठबंधन और अलग रहकर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जिस तरह पिछले दिनों BJP से उनकी करीबी बढ़ती दिखी, इससे संभव है पहले BSP से गठबंधन के लिए राजभर कड़ी शर्तें रखें और बात ना बन पाने के बहाने फिर BJP से गठबंधन कर घर वापसी करें। दूसरी तरफ अखिलेश पर सवाल उठ रहे हैं कि उनसे कोई भी गठबंधन आखिर संभलता क्यों नहीं, क्योंकि 2017 में कांग्रेस से गठबंधन किया, चुनाव के बाद ही टूट गया रिश्ता। 2019 में BSP से गठबंधन किया, चुनाव के बाद मायावती ने दूरी बनाई। 2022 में राजभर शिवपाल से गठबंधन किया, 6 महीने बाद ही गठबंधन टूट गया। इसलिए राजभर भी अखिलेश पर जहां सवाल उठा रहे हैं वहीं उनकी नजरें 2024 के टारगेट पर टिक गई हैं। अब आप अखिलेश यादव को नसीहत देंगे क्योंकि किसकी वजह से ये नसीहत दें? हम नसीहत का देंगे, वो जस करनी वो सभोग विधाता नरक जात का है पछताता कहावत है न। आ रहा है 24 का चुनाव तो आ ही रहा है, गिनती होगी तो फिर मिलिएगा हमसे तो हम बता देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देश को एक बार फिर से गौरवान्वित होने का मौका दिया है नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीतने पर। नीरज चोपड़ा का पहला रिएक्शन भी सामने आ चुका है, वो कहते हैं कि आखिरी वक्त तक मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। बिल्कुल, मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की। नीरज चोपड़ा का ये कहना, हवा के चलते कंडीशन भी ठीक नहीं थी, आगे और अच्छा करने की कोशिश रहेगी। लेकिन यही खासियत होती है चैंपियंस की कि देखिए हमेशा वो सुधार की गुंजाइश रखते हैं। और ये कहना कि आगे और अच्छा करने की मेरी कोशिश रहेगी, नीरज चोपड़ा ने कहा। लेकिन उन्होंने पूरे देश को गौरवान्वित महसूस करवाया है और देश को एक बड़ी उपलब्धि, 19 साल के बाद सिल्वर मेडल भारत के खाते में नीरज चोपड़ा की बदौलत। हाँ, थोड़ी कंडीशन नहीं थी आज, काफी हवा थी और मतलब एक दो वम तो होता है थोड़ा, मतलब पहले 2-3 किलो तक वैसा फील बाद, और पर फिर भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि हाँ थ्रो लगेगी, तो लास्ट तक वो था अंदर, पर हाँ ठीक है, जितना भी लगा है अच्छा है कि मेडल जीता है। और अभी अगले साल फिर हमारे पास वर्ल्ड चैंपियनशिप हंगरी में, तो कोशिश करेंगे और अच्छा करेंगे इससे।
तो हाँ थोड़ा चैलेंजिंग हो गया था, पर फिर भी कहीं ना कहीं था अंदर बिलीव कि हाँ कर लेंगे लास्ट तक। तो अच्छा रहा सर, जितना भी है अच्छा है, खुश है आज की परफॉर्मेंस से और काफी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि जो हवा थी आज मेरे लिए थोड़ी चैलेंजिंग थी जो सामने से आ रही थी, और सीखा है सर उससे कुछ और बढ़िया है जो भी हुआ है। और देखिए नीरज चोपड़ा की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। नीरज चोपड़ा ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है, ऐतिहासिक रजत पदक के लिए बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि हमेशा से स्पोर्ट्स को लेकर एक अलग जज्बा रखते हैं, एक बार फिर से उन्होंने शुभकामनाएं दी नीरज चोपड़ा को, जिन्होंने सिल्वर रजत पदक जीता है वर्ल्ड चैंपियनशिप में। चुनौती जरूर उनके सामने रही, लेकिन साफ तौर पर नीरज चोपड़ा को भी हमने आपको सुनाया जो कह रहे थे कि आखिरी दम तक उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी, और छोड़ते भी कैसे, देश की उम्मीद उनसे थी। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभकामनाएं दी है नीरज चोपड़ा को। और देखिए ट्वीट करते हुए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी कि शानदार उपलब्धि नीरज चोपड़ा ने हासिल की है, इसलिए बधाई। भारतीय खेलों के लिए ये लम्हा खास है, नीरज को भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहां पे खुशी जाहिर करते हुए नीरज चोपड़ा के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी, बधाई दी। तो निश्चित तौर पर हर भारतीय का ये सपना जो है वो पूरा हुआ है नीरज चोपड़ा की बदौलत, क्योंकि इतने वर्षों के बाद सिल्वर मेडल भारत के खाते में आना अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। और नीरज चोपड़ा लगातार हम देख रहे हैं कि उनका परफॉर्मेंस दमदार रहा है, और अभी भी वो कह रहे हैं कि आगे और भी कोशिश रहेगी, अच्छा करूं मैं। तो लगातार शुभकामनाओं का दौर भी बदस्तूर जारी है करिश्मा, 19 साल बाद। और उम्र अगर देखोगे आप नीरज चोपड़ा की तो सिर्फ 24 साल की है, 24 साल का लड़का 19 साल बाद देश को इतना गौरवान्वित करने का मौका एक बार फिर से। इससे पहले जो टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत कर आए थे, उम्मीदें काफी हाई और जोश भी इस वक्त देश का काफी हाई है। नीरज चोपड़ा हर एक मौके पर, हर एक मोर्चे पर खुद को साबित करते हुए कि भारत का ये बेटा वाकई खुद में सोना है। बिल्कुल, और ये बेटा इसने चांदी भारत को दिया है, और इसलिए हर भारतवासी गर्व कर रहा है नीरज चोपड़ा पर।